हाय गाइस, इंजीनियर कॉन्सेप्ट वापी में आपका स्वागत है। आज हम पहले भी वो चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंपल मशीन, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सिंपल मशीन क्या होता है, कंपाउंड मशीन क्या होता है, लिफ्टिंग मशीन क्या होता है। और ये जो चल रहा है जो चैप्टर, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इट मीन्स अप्लाइड मैकेनिक्स का सारे चैप्टर चल रहे हैं। ये लास्ट चैप्टर है, आगे के वीडियो अपलोड ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो वीडियो को आप जाके देखें ताकि आपके आगे के वीडियो आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। और अगर उसमें कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7359924377। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि रिवर्सिबल मशीन क्या है, ठीक है। रिवर्सिबल मशीन है, नॉन रिवर्सिबल मशीन, लॉ ऑफ मशीन क्या है, फिर उसके बाद से इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, फिर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, आज उसके बारे में हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल मशीन क्या होता है? रिवर्सिबल मशीन इट मींस इफ मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क समवेयर इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन आफ्टर द एफर्ट रिमूव्ड इज कॉल्ड एज ए रिवर्सिबल। इसमें इसका मीनिंग ये सिंपल सा है कि अगर कोई किसी पे ये एफर्ट लगा रहे हैं, वो वर्क हो रहा है, एफर्ट रिमूव किए उसके बाद भी रिवर्स डायरेक्शन में कुछ वो वर्क कर रहा है, उस टाइप के मशीन को बोला जाता है रिवर्सिबल मशीन। अब सिंपल वे में अगर ये भी कहा जाए तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो सकती है? ऑब्वियसली 50% से ज्यादा होगी या तो 50% होगी, लेकिन 50% से कम तो नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? If machine is capable of doing some work in the reverse direction after the effort is removed, किसी भी बॉडी पे मैं एफर्ट लगा रहा हूं, वो कोई वर्क कर रहा है, मैं एफर्ट को रिमूव कर दे रहा हूं, फिर भी वो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है कुछ, उस टाइप के मशीन को बोला जाता है रिवर्स मशीन। एंड नॉन रिवर्सिबल मशीन क्या हो सकता है? सिंपल है, इफ मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव। क्या लिखेंगे इसमें? इफ मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क, डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड, ओके, इज कॉल्ड एज नॉन रिवर्सिबल मशीन। ये जितना भी लिखा जा रहा है लिख लिया करो, आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसके लिए रिवर्सिबल, फॉर नॉन रिवर्सिबल के लिए इसका कितना होगा? फॉर नॉन रिवर्सिबल एफिशिएंसी कितनी होगी? लेस देन 50%। 50% से क्या होगा? लेस होगा इसकी, नॉन रिवर्सिबल मशीन की। If machine is not capable of doing some work in the reverse direction after the effort is removed, is called as a non-reversible machine. तो इसकी efficiency क्या होती है? Less than 50% होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे law of machine क्या होता है, ठीक है। Law of machine क्या बताता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। लॉ ऑफ मशीन ये बताता है कि कोई मशीन है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में एफर्ट लगाया गया, उसके कुछ लोड आए, दूसरी बार एफर्ट लगाया गया उसके कुछ और लोड आए, तो अगर उसको एक ग्राफ में प्लॉट किया जाए वाई एक्सिस पे एफर्ट को रखें, एफर्ट इट मींस पी, एंड एक्स एक्सिस पे लोड इट मीन्स W को पुट किया जाए, तो उसके कुछ मान लो P1 W1 आया होगा, P2 W2 आएगा, P3 W3 आएगा, तो उसको जब हम रखते हैं, मान लो कोई एक पॉइंट यहां पर आया हो, एक पॉइंट यहां पे आया, एक पॉइंट यहां आया, तो एक लीनियर इसको अगर मिला देते हैं तो एक
लीनियर लाइन मिल जाता है, ठीक है, एक लीनियर लाइन मिलेगा। अब देखो ये अगर लाइन होता है और यहां का जो डायमेंशन है उसको मैं इंडिकेट करूं सी से, ठीक है, तो आपने मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, जब ऐसे होता था तो उसका हम लिखते थे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते थे ना, सी इट मीन्स दिस डिस्टेंस, वाई इट मीन्स ये जो प्लॉट करता है इस पे जो भी है वो, एक्स मतलब डब्ल्यू, तो इसके बेसिस पे, इस इक्वेशन के बेसिस पे हमारा जो इक्वेशन, इसका इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, p इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। अब इसमें देखो वेर p क्या होगा, एफर्ट, ठीक है, m क्या है, m इज द स्लोप, ये जो आता है इसकी वैल्यू को बोला जाता है, ये जो आ रहा है आपका इसको बोला जाता है m, m क्या बताता है, m इज द कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड इसको और क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, एम को, ओके, एंड डब्ल्यू इज द लोड, ठीक है, एम इज द स्लोप बताता है, चलेगा चुप कोई बात नहीं, ठीक है, और सी इज द कॉन्स्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये जो वाई प्लॉट में बता रहा है वो एफर्ट है, m is the slope, w is the load, x is the constant, ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको ही बोला जाता है, ये जो फॉर्मूला है इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ मशीन, ठीक है, इसको ही बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ मशीन। फिर इसके बाद से हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम एम ई जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज। देखो एम ए का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए मैक्सिमम, अगर एम ए की बात करें हम, ठीक है, तो एम ए क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन पी, और मैक्सिमम के लिए, फॉर अगर मैक्सिमम की बात किया जाए, फॉर मैक्सिमम के लिए तो वैल्यू हम पुट कर देंगे पी इक्वल टू डब्ल्यू एम डब्ल्यू प्लस सी, ठीक है, एम डब्ल्यू प्लस सी, तो जहां पी है, अगर ये एम ए मैक्स करना है तो जहां पी है वहां ये वैल्यू पुट कर देंगे एम डब्ल्यू प्लस सी, ठीक है। अब यहां देखो ये जो डब्ल्यू है मैं इसके डिवाइड कर दे रहा हूं, यहां वन हो गया, ठीक है, या तो सिंपल वे में ये समझो कि ये दोनों को मैं डब्ल्यू से डिवाइड कर दे रहा हूं, इसको भी डब्ल्यू से, इसको भी डब्ल्यू से, एम डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस सी अपॉन डब्ल्यू, तो यहां वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, बचा क्या एम, यहाँ पे क्या बचा सी अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। अब ये जो सी अपॉन डब्ल्यू है, सी अपॉन डब्ल्यू इज नेग्लेक्टेड, क्यों नेग्लेक्टेड कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, ठीक है, बहुत ही लोड से डिवाइड करेंगे तो बहुत माइनर वैल्यू आएगी, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, तो एम ए जो मैक्सिमम आता है हमारा, एम ए जो मैक्सिमम आता है वो कितना आता है, वन अपॉन एम आ जाता है, ठीक है, ये इस प्रकार से पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं इससे, ये क्या होता है एम ए अपॉन वी आर भी होता है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स अपॉन पी वाई भी होता है, ठीक है, तो ये इसके बेसिस पे हम बना रहे हैं। अभी यह जो ये वैल्यू है ईटा मैक्सिमम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो इस मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, ईटा मैक्सिमम इक्वल टू एम ए मैक्सिमम अपॉन वी आर, इसकी वैल्यू क्या है, वन अपॉन एम आया है इंटू ए वी आर, तो ईटा मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बन गया, वन अपॉन एम इंटू वी आर। तो ये इतना अभी आपने करना है, इसके बाद से हम सिस्टम ऑफ पुली, टाइप्स ऑफ पुली, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स की वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करने के बारे में जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि जो भी अपडेटेड वीडियो आते हैं वो आप तक पहुंचाए जाए, एंड एडवांस मैथ्स के भी वीडियो है उसे भी आप देख के और समझ सकते हैं। सो थैंक यू।